हाँ आकाश। हाय बेबी, अरे सॉरी यार इतना लेट से कॉल कर रहा हूँ। आते ही शादी के फंक्शनों में इतना बिजी हो गया ना कि पता ही नहीं चला, एक के बाद एक रस्में क्या ही बताऊँ। अरे इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अच्छा बताओ, तुम कुछ कह रही थी जब लास्ट टाइम कॉल किया था तो? आकाश को कुछ मत बताना, पल्लवी ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे ही हैंडल करने दो। कुछ नहीं, मैंने तो बस यही पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम ठीक से पहुंच गए हो ना, मैं मिस कर रही थी तुम्हें। I miss you too, baby. But are you sure कि कोई बात नहीं है? तुम थोड़ी स्ट्रेस लग रही हो, घर पे सब ठीक? हाँ हाँ पक्का, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हाँ बेबी, कल जैसे ही यहाँ पे सारे काम खत्म होंगे ना वैसे ही आ जाऊंगा। अच्छा सुनो ना, अभी बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है, सो जाऊं? ठीक है सो जाओ। I love you. Love you too, baby. I'm sorry, आकाश, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। फटाफट सबके लिए गुलाब बना के रख देती हूँ। दही और सैलेड तो मैं रख के गई थी, राकेश गुस्सा करेंगे, पहले ही दिन इतना लेट हो गई मैं। अंदर रूम में होंगे, मैं देखती हूँ। वो मुझे पता ही नहीं चला कब। वो राकेश की नींद कच्ची है, आवाज से उठ जाते हैं वो, इसलिए तुम्हें ऐसे लेकर आई, सॉरी। इट्स ओके। बहुत लेट हो गई ना, मैं राहुल ने तुम्हें पक्का परेशान किया होगा। बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट हमने तो बहुत मजे किए। खैर तुम अपनी बताओ, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? मेरा भी दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो मैम भी बहुत अच्छी हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन खाना ये सारा मैंने बनाया है, तुम बैठो और टेस्ट करके बताओ कैसा है। आई मीन तुम्हारे हाथ जितना अच्छा तो नहीं बना होगा, बट स्टिल आई ट्राइड। नहीं नहीं अच्छा ही होगा, पर मैं ना पुलाव दही कढ़ी के लिए सब तैयार करके गई थी। तन्वी तुम अभी आई हो क्या, मतलब कहाँ गई थी ऐसे? वो मम्मी जी, वो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। हाँ मम्मी जी, वो आज मेरे चेकअप का दिन था और लाइन थोड़ी लंबी थी, इसीलिए टाइम लग गया। वाओ, ये खाना तो तुमने नहीं बनाया होगा तन्वी, तुम तो अभी आई हो। जानवी बेटा, ये खाना आपने बनाया है? सॉरी आंटी, बस ऐसे ही, मुझे लगा राहुल को भी थोड़ा डिफरेंट टेस्ट मिल जाएगा खाने को। तन्वी बिजी थी ना। लेकिन इसमें सॉरी थोड़ी बोलने की कोई जरूरत है बेटा, ये तो आप ही का घर है। वाओ, एक्चुअली सैलेड मेरा फेवरेट है। अब जरा खाना भी टेस्ट कीजिए, ये लीजिए, बस टेस्ट कीजिए। Let me see. Wow. Actually, अब देखो तन्वी घर पे है या नहीं है इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि तुमने सब संभाल लिया ना। Thank you so much, बेटा। तुम इतना काम भी करती हो,
ऊपर से घर भी इतने अच्छे से संभाल रही हो, सो नाइस। तन्वी, काम मत थोपा करो इसके ऊपर। नहीं मम्मी जी, वो मैं खाने का सब तैयार करके गई थी। ये वरुण का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ है ये? बाबूजी। क्या बात है बहू? वो मुझे आपसे ये पूछना था कि वो जो वरुण को पैसे दिए ना बिजनेस के लिए, वो पैसे आपने दिए थे या मेरे पापा ने? बहू एक काम करते हैं क्या, अभी इस वक्त इस बारे में बात नहीं करते, बाद में कर लेंगे। वो क्या है ना कि अभी हम बाहर से आए हैं ना, तो थोड़ा सर भी घूम रहा है और पेट भी थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो बाद में बात करते हैं इस बारे में। हाँ, अवॉइड कर रहे थे क्या, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ? ये जो मेरे प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स हैं ना, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। आई थिंक आई नीड रेस्ट, जस्ट नीड रेस्ट। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? अभी कहाँ कुछ हुआ है, अब होगा। क्या होगा चाची जी? ये होगा कि तुम अभी बैंक जाओगी और सारे गहने इसमें लेकर आओगी। शाम को पहनेगी ना पार्टी में मेरी संध्या? ये लो ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाओ। चाची जी, वो इतनी सुबह बैंक कहाँ खुलता है? अच्छा, नहीं नहीं तुम अभी निकलो, आधा घंटा लगेगा जाने में, और फिर तब तक तो मम्मी जी बैंक खुल जाएगा ना। हाँ, एक काम करो, चलो मैं भी चलती तुम्हारे। नहीं नहीं भाभी, मैं ले आऊंगी, आप पार्टी की तैयारी करिए। ठीक है, मैं लाती हूँ। क्या करूँ अब, कहाँ से लाऊं गहने? अभी 45 मिनट बाद खुद सच कबूल करना पड़ेगा इसे कि इसने गहने बेच के अपने बाप को पैसे दिए हैं। अंकल जी, वो चिटफंड वाले नहीं थे, वो चीटिंग फंड वाले थे, हम सबके पैसे लेके भाग गए। किसी चिटफंड कंपनी में पैसा लगा दिया था, सब डूब गया, अब बेचारों को घर बेचना पड़ा, जा रहे हैं गाँव अपना। ये हमारा घर नहीं है, हमारी दुनिया है, हमारी बेटियों का आंगन। हमने आपके सारे पेपर्स चेक किए, इसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट्स दिखाई हैं, ऐसी कोई सेविंग्स है ही नहीं। आई एम अफ्रेड आपको घर खाली करना पड़ेगा। हमारी पॉलिसी है, कोई फर्जी इन्वेस्टमेंट पेपर्स देता है तो हम आपके घर को टेक ओवर कर सकते हैं। अरे कैसी पॉलिसी, मेरा इन्वेस्टमेंट जेन्युइन था, वो कंपनी फ्रॉड कर गई। निकालो सामान। अरे कहाँ घुसे जा रहा है? 5 मिनट के अंदर सारा सामान टेम्पो में लोड करो, फटाफट करो, सारा सामान फेंक दो बाहर। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरा सामान, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मेरा सामान वापस रखो, सामान छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, हमारा आंगन। चिटफंड वालों का नंबर भी नहीं लग रहा, दूसरे नंबर पे ट्राई करता हूं। ये रवि भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कब तक ऐसे ही घूमती रहूंगी, कहां से लाऊं गहने?
हेलो रवि भैया, कहाँ हैं आप? पल्लवी, मुझे जल्दी से हनुमान मंदिर वाले नुक्कड़ पे मिलो, मैं पहुँच रहा हूँ, तुम भी पहुँच जाओ। क्या हो गया भैया, आप बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं, सब ठीक है ना? हाँ पल्लवी, मैं ठीक हूँ, तुम बस आ जाओ जल्दी। ओके ओके, मैं आ रही हूँ। ये नंबर ट्राई कर लेता हूँ, ये नंबर भी। आ जाओ यहाँ, यहाँ पे लगाना। हेलो पापा, मैंने सबसे पहले आपको ही फोन किया है। सिर्फ आपकी वजह से मैं अपना ये ऑफिस स्टार्ट कर पाया हूँ। आशीर्वाद दीजिए पापा, आशीर्वाद दीजिए कि ये स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल होगा, जरूर होगा तुम्हारा स्टार्टअप सक्सेसफुल। अरे मन लगाकर इस तरह काम करोगे तो तुम्हें कौन रोकने वाला है? और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा बेटे। थैंक यू। सर साइन बोर्ड का मेजरमेंट और मटेरियल फिक्स करवा दीजिए। ठीक है, अब पापा मैं आपको आराम से फोन करता हूँ। ठीक है बेटे। जब तक मेरे बच्चों का आंगन खुशियों से भरा रहेगा, लड़ने का हौसला मेरा बना रहेगा। क्या हुआ भैया? पल्लवी ये रख लो। ये तो भाभी की ज्वेलरी है। हाँ, और तुम्हारे कंगन भी है इसमें। तुमने सही कहा था पल्लवी, मैं एक बार उसके पास पुलिस वालों को लेके गया और रिपोर्ट लिखवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहाँ पर रही थी वो, और डर के मारे ये सब दे दिया उसने मुझे। मैं तो पूरा क्विज शो तैयार करके बैठी हूँ, वो एक झूठ बोलेगी मैं 100 सवाल पूछूंगी। इसी मौके का तो इंतजार है मुझे। चेहरा तो देखो, सोच रही होगी कौन सा झूठ बोलूं। कितने झूठ बोलती है यही तो देखना है। मिल गए जेवर। जी चाची जी। ये रहे जेवर। एक बार देख तो ले सारे, है ना? हाँ। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, शाम की पार्टी के लिए अच्छे से ड्रेसअप करना। और आई एम सॉरी, कंफ्यूजन में आपकी ज्वेलरी भी मेरी ज्वेलरी के साथ चली गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद होटल भी निकलना है। चलो, 2 घंटे की मेहनत बेकार गई, लेकिन गहने तो वापस मिल गए। हाँ, इसका मतलब इसने गहने अपने पापा को नहीं दिए, तो उनके पैसों की कमी कहाँ से पूरी हुई? मगर बूढ़ों को इतने पैसे चाहिए क्यों? बाप बेटी बहुत चालाक है। वो तो है। थैंक यू भगवान जी, आपके आशीर्वाद से संध्या भाभी को उनकी ज्वेलरी वापस मिल गई। उनके लिए ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं, उनके प्यार की निशानी है। थैंक यू सो मच। अपना आशीर्वाद हमारी फैमिली पे ऐसे ही बनाए रखना। एटलीस्ट रवि भैया भी अब टेंशन फ्री हो गए हैं। सॉरी पल्लवी, तुमसे सच नहीं बोल पाया मैं, पर आज के आज ज्वेलरी अरेंज करने का सिर्फ यही एक तरीका था, और वो नेत्रा। पुलिस की धमकी? ठीक है, लेके आओ। अरे जाओ, क्या हुआ? चलो मैं ना तुम्हें एक और असलियत बताती हूँ। समझ लो, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन
उसके बाद अखबार की हेडलाइंस क्या आएगी? रवि अवस्थी की वजह से एक बड़ा गिरोह पर्दाफाश, और उसके साथ बाहर आएगी तुम्हारी कुछ वीडियोस और फोटोज, बेशक नकली होगी लेकिन देखने वाले को मजा बढ़ा देगी। और गॉसिप भी, घरवाले क्या सोचेंगे? एक बात याद रखना, हमारे बहुत कनेक्शंस, तो मैं तो छुट्टी जाऊंगी, पर तुम्हारा क्या होगा? मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं कर पाया पल्लवी। ये लोग बहुत शातिर हैं। थैंक यू भगवान। अरे थैंक यू भगवान को नहीं, मुझे बोलिए, मेरी वजह से मिल रही है आपको आपकी अमानत। वो सब तो ठीक है मेरे भाई, 10,000 बहुत ज्यादा है इस काम के। तो काम भी तो जल्दबाजी का था, जल्दी का काम, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, तो पैसे तो लगेंगे ना सर। पर एक बात बताओ, टेंशन तो नहीं होगी? अरे टेंशन किस बात की? मेरा मतलब किसी को पता तो नहीं लगेगा ये जेवर नकली है? अब मैं तो किसी से कुछ नहीं कहने जाऊंगा, आपका आप जानो। अरे वरुण वाली, चाय हो गई? हाँ लाई मैं, ये लीजिए गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय जो आपको पसंद है। दीपू, हाँ भाई, बाबूजी का, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, दीपू इधर आओ इधर आओ। अरे बाबूजी, क्या हुआ भाई? पहले आप मुंह मीठा कीजिए। अरे लेकिन किस बात के लिए? बताता हूँ, मैंने अपने ऑफिस का लोकेशन फाइनल कर लिया है। Really? और मुझे 3 क्लाइंट्स भी मिल गए। Congratulations! मुबारक हो भाई, मुबारक हो, खुश रहो, खूब तरक्की करो। लोगो तो दिखाओ ना मुझे। हाँ, एक मिनट, इसमें रखे थे, ये थे। It's really nice. मुझे भी यही वाला पसंद है। अच्छा, ये फाइनलाइज हुआ? बाबूजी, थैंक यू सो मच, रियली। आज ये सब ना सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आपके आशीर्वाद से वरुण का सपना पूरा हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे, क्यों आपने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग हमें दी थी। कल रात मैंने आपसे सवाल किया, उसके लिए सॉरी। कभी कभी मैं कुछ भी सोचने लगती हूँ, आपके ये पैसे, फिर चाहे आप हो या मेरे पापा हो, आप लोगों ने ना पूरी लाइफ मेहनत की है ताकि रिटायरमेंट के बाद इन पैसों से आपका फ्यूचर सिक्योर हो, और आपने बिना सोचे समझे एक झटके में और उनका सपना पूरा करने के लिए अपने पैसे दे दिए। अरे बहू, जो कुछ भी है वो है तो बच्चों का ही, और फिर एक बाप अगर अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं बाबूजी, आपका दिल ना बहुत बड़ा है, सच। थैंक यू सो मच वरुण। ये बिजनेस जैसे स्टार्ट होगा, सेट हो जाएगा ना बाबूजी, आई प्रॉमिस आपको पैसे ना सबसे पहले लौटा देंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। Outstanding. Especially this Lockies packaging. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लॉकी को ऐसे भी खा सकते हैं। Thank you so much, sir. It was my pleasure serving you. मेरे पापा हमें vegetables ऐसे ही खिलाते थे, fancy बना के। Wow. Enjoy your brunch. Thank you. Hi, baby. नेत्रा, ये तो वही है जो उस दिन रवि भैया के साथ थी। वेरी क्यूट। नहीं यार, मेरे बाल देखो ना, सही नहीं लग रहे। अच्छा सुनो, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। माय फोन? ओके, थैंक यू, बट डोंट बी लेट। हाँ, शाम को 4 बजे शालीमार गेस्ट हाउस। ओके बाबा, मुझे याद है शालीमार गेस्ट हाउस, जरूर कुछ प्लान होगा इन लोगों का। बाय। ये लड़की ना सुधरेगी नहीं। जी रवि भैया ने पुलिस से वार्निंग दिलवाई है इसे, ये लगी हुई है अपना स्कैम करने में। इस लड़की का खेल तो आज मैं खत्म करती हूँ।
ये तो निकल गया, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी मैं। ये बैंक में से 1,00,000 किसने विड्रॉ किए? तो मेरा और आकाश का जॉइंट अकाउंट है ना, आकाश से पूछना पड़ेगा। ये कहाँ चली गई? ओह गॉड, हेलो। हेलो आकाश, तुम्हें कॉल करने वाला था, रास्ते में हूँ एयरपोर्ट के लिए। क्या हुआ, टेंशन में लग रही हो? वो तुमने पैसे विड्रॉ किए थे हमारे जॉइंट अकाउंट से। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी यार, बताना ही भूल गया। हाँ कि अरे कोई बात नहीं, जॉइंट अकाउंट है, कर ही सकते हो। बस मैंने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था, मैसेज आया था ना। अरे एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया गलत पासवर्ड के चक्कर में, और रवि भैया को कुछ पैसे चाहिए थे तो मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट में से निकाल के भेज दिए। रवि भैया? रवि भैया ने मांगे? कब? आज मांगे? अब सॉरी, आई मीन फ्रॉड बहुत हो रहा है ना आजकल, तो बस इसलिए पूछ रही हूँ। आई नो दैट्स गुड इन फैक्ट कि तुम चेक कर रही हो। हाँ आज ही मांगे, इनफैक्ट अभी मांगे थे। हाँ शॉप में रिपेयरिंग का काम चल रहा है ना। अरे भैया राउंड अबाउट से राइट लेना था, वही सही रास्ता एयरपोर्ट के लिए। मैंने आपको सुना ना, मैं आराम से कॉल करता हूँ, तो फ्लाइट छूट जाएगी मेरी। ओके। मैं एक बार उसके पास पुलिस वालों को लेके गया और रिपोर्ट लिखवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और डर के मारे ये सब दे दिया उसने मुझे। रवि भैया ने पैसे क्यों मांगे? उन्होंने तो कहा था सब कुछ सॉर्ट हो गया है। ये क्या हो रहा है, रवि भैया ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या वो लड़की अभी भी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है? मुझे ही कुछ करना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.